हेलो दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक में एक वैकेंसी आई है तो दोस्तों आपके बहुत काम आएगी। दोस्तों मेरे दोस्त ने एक मेरे को कमेंट किया था कि कोई भी जॉब आए तो मेरे को जरूर बताएं। तो दोस्तों उसके लिए मैं ये जॉब अप्लाई कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। वो यहाँ पर देख सक देख के और अप्लाई भी कर लेगा। दोस्तों इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको दिख जाएगा वैकेंसी कितनी है और कितनी नहीं। लेकिन हाँ, आपको मैं इतना बता देता हूँ, क्वालिफिकेशन 12वीं तक मांगी है, ठीक है। और ज्यादा जानकारी आप लिंक लिंक पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसको अप्लाई कैसे करते हैं इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अप्लीकेशन 17 तारीख से स्टार्ट है और इसका क्लोजर मतलब हो जाएगा 7 दिसंबर को ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट डेट ऑफ प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन, आप जो अप्लाई करने के बाद अगर आप 7 तारीख को नहीं कर पाए तो 22 तारीख तक लास्ट कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात ऑनलाइन पेमेंट की, तो आप 17 नवंबर तक 7 दिसंबर 17 नवंबर से 7 दिसंबर तक दे सकते हैं। दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये फॉर्म लास्ट तक देखते रहिए ताकि इस पे आप कोई भूल ना करें और आराम से अपना फॉर्म फिल कर सके। तो दोस्तों आप ये वीडियो प्लीज लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों को बताइए, दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज कुमार है और आप देख रहे हैं इंडियन स्टार दोस्त। दोस्तों आज आपको मैं बता रहा हूँ एक लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में। दोस्तों मेरे को एक दोस्त ने कमेंट किया था, जैसे कि मैंने अपने होम पेज पे लिखा हुआ है ऑन डिमांड सर्विस। दोस्तों आप जो कहेंगे वो मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। आपकी जो मांग होगी वीडियो बना के, जिससे आपको आसानी हो। मान लीजिए आपको कोई फॉर्म भरना हो, ऑनलाइन हेल्प चाहिए हो, तो आप मेरे को यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मेरे दोस्त ने एक मेरे को कमेंट किया था कि मेरे को एक फॉर्म भरना है, वैकेंसी आ रखी है, कैसे फिल करें। तो दोस्तों इसको मैं फिल करके दिखाऊंगा अपनी आईडी से, अपने फोटो से, ठीक है। इसमें एक दो दिक्कत हो जाएगी जो कि मेरी एज के रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि मेरी एज इसमें सुटेबल नहीं होगी। लेकिन उसके अलावा मैं सब कुछ उसको भर के बता दूंगा कैसे करना है कैसे नहीं करना, ठीक है। क्योंकि मगर अगर आप भी कोई फॉर्म फिल करना चाहते हैं, लाइक SSC या SBI या फिर RBI या फिर कोई से वैकेंसी जो ऑनलाइन फिल करना होता है, तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। आपको जो भी हेल्प चाहिए उसे आपको मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, जिससे आप आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों साथ में आपको बेल आइकन शो करेगा, आप उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्योंकि दोस्तों जो हमारे मेहनत का फल है वो आपके लाइक पे क्लिक करने से है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसको लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप इसमें इस पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। इस पेज पे आने के बाद दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, आपको पता लग जाएगा ये फॉर्म फिल हमें कैसे करना है और कैसे नहीं करना, और ये हमको कहाँ मिलेगा इसके बारे में आपको मैं बता दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों अभी अपना फॉर्म फिल मत कीजिए, नहीं तो आपसे ऐसे बहुत से गड़बड़ हो सकते हैं। तो आप प्लीज ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए देखिए, लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट्स। दोस्तों अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और यहाँ पर जो पासवर्ड आपको आएगा वो डालेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ हम क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर। दोस्तों कंटिन्यू, ध्यान से दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू ही करना है आपको। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ANUJ, दोस्तों मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरा नहीं होगा, लेकिन मैं उसके लिए कर रहा हूँ जिसने मेरे को रिक्वेस्ट किया है। दोस्तों अगर आपको मिडिल नेम है, जैसे कि नंबर है मान लीजिए अनुज कुमार सिंह, अनुज कुमार कुछ भी आप सरनेम लगाते हैं तो कुमार बीच में लिखिए, और नहीं लगाते तो यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर अनुज कुमार आ गया, उसका नीचे आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ अल्टरनेट नंबर,
आपका ईमेल आईडी। केवल यूजर नेम डालना है यहां पर, डोमेन नेम, ठीक है, यहां पर आपका पूरा मेल आईडी आएगा और यहां पर ये जो कैप्चर कोड है ये आपको ध्यान से भरना है, नहीं तो ये फॉर्म फिल नहीं होगा। कैप्स में जो स्मॉल में दोस्तों मेरे पास स्मॉल कुछ नहीं है, अगर आप फिल करेंगे तो इसमें स्मॉल आ सकता है। उसके बाद दोस्तों हम यहां पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। सब कुछ आराम से भरिएगा, आप आराम से देखिए जैसे जैसे भर रहा हूं वैसे वैसे आप इसको भरिएगा, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप डायरेक्ट इस पर मत आइए, आप पहले फॉर्म आराम से देखिए, लास्ट तक देखिए, उसके बाद इसको फिल कीजिए। दोस्तों ये नहीं कि आपको मैंने नोटिफिकेशन बता दिया हो और आप वहां से लिंक देख के फिल कर रहे हो। दोस्तों हो सकता है आपसे कोई बाय मिस्टेक वो हो जाए, क्योंकि देखिए एक बार फिल होने के बाद ये दोबारा सबमिट नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप ये वीडियो मेरी लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों ध्यान से ओको आएगा, देखिए साफ लिखा हुआ है इसमें, आर यू श्योर डाटा इंटर्ड करेक्ट और नो इज द एडिड एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर फाइनल सबमिट, ठीक है। दोस्तों इफ यू क्लिक ओके अदरवाइज क्लिक कैंसल, अगर आपको मतलब श्योर है कि डाटा मैंने सही फिल किया है तो ओके कीजिए, अगर श्योर नहीं है तो आप कैंसिल कीजिए। मेरे को श्योर है तो मैंने ओके कर दिया। ओके करने बाद आपके नंबर पे एक मैसेज जाएगा, नंबर मैसेज में आपको पासवर्ड होगा और इसका यूजर नेम होगा, तो उसको आप सेव करके रखिएगा, ठीक है। आप यहाँ पर फोटो अपना डालेंगे, तो दोस्तों जैसे कि मेरा फोटो मैं यहाँ पर डाल रहा हूं, पिक्चर दोस्तों ये ध्यान से फिल करिएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों इमेज की क्वालिटी मतलब होनी चाहिए कम, क्योंकि हमारे जो फोटो हम खींचते हैं या फिर फोटो बनाते हैं उसकी स्पेस ज्यादा होती है। दोस्तों अगर स्पेस आपको कम करने नहीं आता तो दोस्तों मैं एक आपको लिंक दे दूंगा, हाउ टू रिसाइज फोटो फॉर SSC या फिर आपको किसी काम के लिए अपलोड करनी पड़ती है और हम दुकान पे जाते हैं उसको 10-20 रुपए देते हैं तो हम इमेज की साइज कम करते हैं फिर अपलोड उसे करते हैं। तो दोस्तों आप ये वीडियो देख लीजिए, उससे आप आसानी से सीख जाएंगे कि हम फोटो रिसाइज कैसे करते हैं, तो ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम सिग्नेचर पे जाएंगे, ये मेरा सिग्नेचर दोस्तों, फोटो एंड सिग्नेचर यहां पर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने पर दोस्तों आपको थर्ड ऑप्शन आएगा डिटेल, ठीक है। आप यहां पर डाल देंगे आप जो भी कास्ट वास्ट जो भी है वहां डाल सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यहां पर यस कर दीजिए, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपकी जो भी कास्ट यहां पर है आप यहां पर कास्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर SC करूंगा क्योंकि मैं फॉर्म फिल कर रहा हूं, ठीक है, आपको दिखा रहा हूं, नहीं तो मेरे को फीस देनी पड़ेगी इसीलिए, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों थर्ड ऑप्शन आएगा, यहां देख लीजिए आप जहां से हैं वहां का डालेंगे आप, मैं दिल्ली का हूं मैं दिल्ली डाल रहा हूं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन भी दिल्ली आएगा, ठीक है। उसके बाद आर यू फ्रॉम विदर्भ रीजन महाराष्ट्र स्टेट, तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर फिल करेंगे तो ये फिल नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ पीछे से प्रॉब्लम हो रखी है। अगर आपका ये होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, ये जरूरी नहीं है, आपके सामने फिल करूंगा सबमिट करूंगा, फाइनल होगा तो ही सबमिट होगा, नहीं तो ये सबमिट नहीं होगा। तो दोस्तों आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और आराम से आप सीखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको बताइए, वो आपको धन्यवाद करेंगे। इसका दोस्तों आप कहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर डाल दीजिए इसको, ठीक है। हरियाणा उत्तर प्रदेश, कहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं दिल्ली के लिए करूंगा तो मैं यहां पर दिल्ली डाल देता हूं।
इसके बाद दोस्तों सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, आपको कहाँ पे चाहिए, गाजियाबाद में, ग्रेटर नोएडा में, गुड़गांव में, आपको जहां भी चाहिए आप वहां पर डाल सकते हैं। तो मैं दिल्ली एनसीआर डालूंगा अगर मेरे को एग्जाम देना होता तो। उसका दोस्तों लैंग्वेज आपको हिंदी, ठीक है, आर यू पर्सन डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी अगर आप है या आप कोई विकलांग है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए, ठीक है। अगर यस करेंगे तो आपको ये सब फिल करना पड़ेगा यहाँ तक। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर घबराते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप छोड़ देंगे, आपको कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। ध्यान से 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर छोड़ दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ रहा है वेदर ऑर्डिनेटरी डोमेसाइल्ड स्टेट एंड ऑफ जम्मू जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन 1 जनवरी 1980 एंड 31 दिसंबर 1989, तो आप अगर है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। उसके बाद आएगा आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप सर्विस कहीं कर चुके हैं, रिटायर वहां से हट चुके हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। फिर आएगा दोस्तों आर यू डिसेबल एक्स सर्विसमैन, सेम वही है, आप यहाँ पर नो कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, नहीं हो रहा तो। पीरियड ऑफ सर्विस तो जरूरत ही नहीं, अगर हमने यहाँ नो कर दिया तो यहाँ जरूरत ही नहीं करने के लिए, ठीक है। डेट ऑफ रिलीफ फ्रॉम डिफेंस सर्विस कोई जरूरत नहीं हमें। आर यू डिपेंडेंट सर्विसमैन किल्ड एक्शन डी एक्स एक्स नो, ठीक है दोस्तों, जहां पर नहीं हो रहा वहां छोड़ दीजिए। आर यू सीकिंग रिलेक्शन अंडर विंडो डाइवोर्स वुमेन वुमेन जुडिकली स्पार्टेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, ठीक है, तो यहां भी आप नो कर दीजिए। आर यू ए करंट फुल नेम स्टेट बाई आर बी आई, ठीक है, आर यू करेंट स्टाफ ऑफ आर बी आई, नो, ठीक है, इफ यस तो प्लीज यहाँ पर ना डिटेल भरिए। आर यू एक्स एम्प्लॉय ऑफ आर बी आई, नो, ठीक है, इफ यस तो आप यहाँ पर डिटेल फिल करिए। उसका दोस्तों नेशनलिटी आपको पता होगा दोस्तों, नेशनलिटी हमारा क्या है, इंडियन, तो इंडियन रहेंगे, जय हिंद जय भारत। और इसके बाद दोस्तों है आर यू प्रोफिडेंट इन द लैंग्वेज, आई नो टू रीड राइट स्पीक अंडरस्टैंड द लैंग्वेज इफ ऑफ एनी स्टेट फिलिंग द अंडर द रिटर्निंग ऑफिस, तो यस कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। आप यहाँ पर बिलोंग किससे करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में हम भाई भाई, तो दोस्तों हम हिंदू हैं हिंदू डालेंगे, मैं भी हिंदू हूं, अगर आप मुस्लिम है तो मुस्लिम डालना, ठीक है, आप सिख है तो सिख भी डाल सकते हैं, इसमें जैन जैन मुस्लिम सिख सबका अलग अलग यहाँ पर दे रखा है, बट हमारा हिंदू है। डू यू आधार कार्ड डू यू हैव, तो आप यस कर दीजिए या नो कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप है तो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, क्योंकि बहुत से बंदों का आधार कार्ड बना हुआ है। दोस्तों मेरा है लेकिन मैं इसमें नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ये फॉर्म फिल ही नहीं कर रहा, ये फॉर्म फिल मैं आपके लिए कर रहा हूँ, जिसे आपको आसानी हो फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। उसका दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, डेट ऑफ बर्थ आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, ये देखिए दोस्तों, अगर मैं फिल करता तो कोई फायदा नहीं होता, ठीक है, मेल है फीमेल है, आप यहाँ पर डालिए जेंडर। उसके बाद दोस्तों मैरिज रजिस्ट्रेशन, मैरिड है अनमैरिड है क्या है, आप वहां पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और फादर नेम यहाँ पर ध्यान से दोस्तों, अपने फादर का नेम आप आराम से भरिएगा, 1 2 3, 1 2 3 XYZ, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, यहां पर स्टेट आ जाएगा, यहाँ पिन कोड आ जाएगा, ठीक है, फिर जो नीचे है आप यहां पर सेम एज पाओ कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर हम देखेंगे वैलिडिट योर डिटेल, अगर हमारा डिटेल वैलिड है तो यहाँ पर बता देगा, और नहीं है तो ही बता देगा, तो हम यहाँ पर वेरीफाइड सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ले लेगा।
दोस्तों देखिए यार, नेक्स्ट करेंगे तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर अपना 10th का सब्जेक्ट लिखेंगे हमारा क्या है। दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे कि बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं 10th करने के बाद, सोचते हैं मैं सिर्फ सब्जेक्ट क्या डालूं, ठीक है, मतलब स्ट्रीम में क्या डालूं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, तो इसमें तो आप बताते ही नहीं है 10th में। तो दोस्तों कोई जरूरत नहीं है, हमारे जो हमने 12th जिसमें किया है, 12th मान लीजिए मैंने आर्ट्स में किया है, तो हम यहाँ आर्ट्स लिख सकते हैं। अगर मैंने कॉमर्स में किया है तो कॉमर्स लिख सकते हैं, और अदरवाइज मैंने साइंस में किया है तो साइंस लिख सकते हैं। इसमें कोई हमारा जो डेट है, डेट दोस्तों ध्यान से भरिएगा दोस्त, आप इसमें अपना डेट और डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सर्टिफिकेट में देख के फिल कीजिए, नहीं तो आप बाद में पछताएंगे, आपका पैसे भी चल जाएंगे और फॉर्म भी फिल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आपने कहीं जॉब किया है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज नो कर दीजिए, ठीक है। आपकी कौन कौन सा लैंग्वेज आती है तो ध्यान से जो मैं भर रहा हूँ वही आप भरिए, और फिर अपने हिसाब से आपका जो डिटेल है वो भरिए। मैं हिंदी रीड राइट स्पीक कर लेता हूँ, आई ऑल्सो टेल इन इंग्लिश, ठीक है, आई एम ऑल्सो रीड राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश। और थर्ड लैंग्वेज दोस्तों डालने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं डाल सकता हूँ हरियाणवी, ठीक है, रीड राइट, नहीं दोस्तों मैं राइट नहीं कर पाता, रीड कर लेता हूं, रीड स्पीक, ठीक, आप नेक्स्ट कर देंगे। ध्यान से दोस्तों आप ये आराम से दोबारा देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद दोस्तों आपका फॉर्म फिल नहीं होगा, दोबारा अपडेट नहीं होगा, ठीक है। फिर यहां पर चेक कर लीजिए, तो यहां पर वन मोर एरर फाउंड दिस पेज, ठीक है, तो इनवैलिड डेट, माफ कीजिए दोस्तों, मैं यहां पर मैंने डेट गलत डाल दिया, मई को रिजल्ट आता है 23 मई, ठीक है, तो अगर 2007 में करेंगे तो यहाँ 9 में होगा, और बेसिक सी बात है दोस्तों, इसमें मैंने फिल नहीं किया तो माफी चाहूंगा। इसको मैं दोबारा चेक करूंगा यहाँ पर, तो दोस्तों वेरीफाइड सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम दोस्तों ध्यान से देख लीजिए अपना फॉर्म, आपने जो जो फिल किया है, योर प्रीव्यू रजिस्ट्रेशन डिटेल, ठीक है, प्रीव्यू आ गया है यहाँ पर, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। दोस्तों मैं ध्यान से आपको एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आपने जैसे ही पहला रजिस्ट्रेशन पेज रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों आपको मैसेज आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, ठीक है दोस्तों, उसको ध्यान से रखिएगा आप हमेशा के लिए, जब भी तक आप एग्जाम नहीं दे रहे, जब तक आप रिजल्ट आपका नहीं आ रहा, तब तक आप इसको संभाल के रखिएगा, ताकि बाद में हमें ढूंढना ना पड़े। इसके अलावा आपका जो लेटर होगा आप इसको मेल से अटैच भी कर लीजिएगा, जिससे इसको खोने की जरूरत ना पड़े, ढूंढने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ फाइनल सबमिट कर देंगे आई एग्री करके एंड ओके। दोस्तों देखिए, आर यू श्योर यू नॉट चेंज एडिट एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर सबमिट, तो ओके कर दीजिए। यहाँ दोस्तों आपके 50 रुपीज लगेंगे, क्योंकि मैंने इसमें कोड डाला है एससी का, और अगर जनरल का डालते हैं तो आपको लगेंगे 450 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 450 रुपए आपके जनरल के हैं। दोस्तों मैं तो कहूंगा एक बार सरकारी जॉब लग गई हमारी तो 450 क्या, 4500 भी देने को तैयार है हम तो, क्यों दोस्तों, गवर्नमेंट को जाएगा तो क्या दिक्कत है, गवर्नमेंट हमारे लिए है, गवर्नमेंट से हम है, सरकार हमारे लिए है, सरकार से हम है, तो हम जो पैसे देते हैं सरकार के जाता है, सरकार के चिटफंड में जाता है, ये सरकार के खाते में नहीं जाता, इससे हमारा विकास होता है। तो दोस्तों 50 रुपये, 450, 500 रुपये कोई वैल्यू नहीं है सरकार को देने के लिए, ठीक है, हम आराम से दे सकते हैं, इसमें हमारा ही फायदा है। तो दोस्तों कोड आप ध्यान से पढ़ लीजिए, ये देखिए यहाँ पर 7, ये देखिए दोस्तों डू यू वॉन्ट टू सबमिट अदरवाइज कैंसल। तो दोस्तों आशा करता हूं आप ये समझ चुके होंगे। दोस्तों आप ये लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो आराम से इसको भर सके। आपके बहुत से दोस्त होंगे जिसको फॉर्म भरना नहीं आता होगा, और दुकान पे 50 से 100 रुपए देते होंगे वो, ठीक है।
तो यहां पर ओके मार देंगे। ये देखिए दोस्तों, यहां पर आपका कॉल लेटर तैयार हो जाएगा। आपको जो पेमेंट करनी है यहां पर कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे को तो फॉर्म मैंने बस ऐसे ही भरा है, मैं नहीं चाहता इसमें पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इसकी जो नोटिफिकेशन है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, ये आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं पूरी। यहाँ पर नोटिफिकेशन के बारे में क्या वैकेंसी है, कहाँ पर कितनी सीट है, एससी के लिए कितनी सीट है, एसटी के लिए कितनी सीट है, जनरल के लिए कितनी सीट है, ये सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों आप लिंक जरूर देखिएगा, लिंक में आपको मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों, आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अपने दोस्तों को आप शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों लाइक, और जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपका ही फायदा है। और बारे में वीडियो बना के मैं डालूंगा। तो दोस्तों बेल आइकन आप जरूर प्रेस कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों इसके अलावा आपको मैं कंप्यूटर से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड या कुछ भी आपको जो सीखना हो ऑनलाइन से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं तुरंत बनाऊंगा 1-2 दिन में, अगर आप मेरे को कमेंट करके देंगे तो। क्योंकि मेरे को आइडिया आपसे चाहिए कि आपको क्या सीखना है, मैं दूसरे की कॉपी नहीं करता इसमें, अपने तरफ से जो आपको चाहिए वो मैं बना के इसमें डालता हूं, ठीक है। तो चलिए स्टॉप करते हैं।